एक निर्माता वाही रविशंकर के इंटरव्यू में बताया कि पुष्पा की कहानी बहुत लंबी है और 2.5 घंटे में इसे पूरा सुनना मुश्किल है। ऐसे में निर्देशक और कलाकारों ने सोचा कि यह फिल्म को 2 भागों में रिलीज करेंगे। बताया तो ये भी जा रहा है कि पुष्पा के दूसरे पार्ट में तैयारियां शुरू हो चुकी है, 10% तक का काम पूरा भी हो चुका है। पुष्पा फिल्म के 80% शूटिंग पूरी होने के बावजूद मेकर्स ने बाहुबली की तरह इसे भी 2 पार्ट में बनाया जाए। मीडिया के रिपोर्ट्स के का कहना है कि कोरोना में कम होने के बाद इसे दूसरे हिस्से पर जल्द काम शुरू किया जाएगा। पुष्पा के ज़्यादातर शूटिंग आंध्र प्रदेश के मरेदुमिली जंगल में की गई थी। ऐसे में फिल्म की पूरी टीम को जंगल में ले जाया जाता था। मेकर्स टीम के जंगल में ले जाने के लिए रोजाना 300 गाड़ियों का इस्तेमाल करते थे। पहले सीन में चंदन के बड़े बड़े गट्ठर दिखाए जाते हैं और ज़्यादा भीड़ की जरूरत होती है। इस दृश्य के लिए 1500 लोगों अपार्टमेंट की मदद से लाल चंदन के फैक्ट्री को दिखाया जाता था। मेकर्स को चंदन की तस्करी के ट्रांसपोर्ट वाले सीन को शूट करने में खास दिक्कत आ रही थी। इसका कारण था जंगल का खराब रास्ता। ऐसे में कई जगहों पर टीम ने कच्ची सड़कें बनाई थी ताकि आसानी से सफर किया जा सके। कुछ दिनों के लिए केरला के जंगलों में शूटिंग हुई। इसके लिए टीम चंदन के आर्टिफिशियल गट्ठर लेकर केरला के जंगल गई। जब टीम वहां से लौट रही थी तो पुलिस ने उन्हें रोक लिया। टीम ने समझाया कि वह शूटिंग के लिए कृत्रिम चंदन के लॉन्ग्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। अल्लू अर्जुन को पुष्पा बनाने के लिए कई घंटों का समय लग जाता था। पुष्पा के लिए अल्लू अर्जुन का मेकअप में करीब 2 घंटे का समय लगता था। फिर मेकअप हटाने के लिए भी काफ़ी समय एक्टर्स को इंतजार करना पड़ता था। किसी भी फिल्म के लिए सिनेमाग्राफर की अहम भूमिका होती है। वह फिल्म के दृश्य को जीवित बना देते हैं। ऐसे में पुष्पा के लिए एक एक सीन को शानदार बनाने के लिए सिनेमाग्राफर मिर्सोला को बेंजोइक और बेंजेक ने पुलेट से सिनेमाग्राफर के लिए ट्रेनिंग ली थी और वह पिछले काफ़ी समय से साउथ की फिल्म के लिए वीडियो में